अलग अलग स्थानों पर बनी दो मौसम प्रणालियों के असर से हवाओं का रुख बार बार बदल रहा है। मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन तापमान में मामूली उतार चढ़ाव का सिलसिला भी बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी दो दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रह सकता है। 16 मार्च से वातावरण में नमी बढ़ने के कारण पूर्वी मध्य प्रदेश के रीवा, सागर, शहडोल, जबलपुर संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। नर्मदापुरम, भोपाल संभाग के जिलों में भी बादल छाने के साथ बूंदाबांदी होने के आसार हैं। उधर बुधवार को प्रदेश में सबसे अधिक 36.6 डिग्री सेल्सियस तापमान मंडला सिवनी में दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी प्रकाश ढवले ने बताया कि वर्तमान में एक पश्चिम विक्षोभ पाकिस्तान के आसपास द्रोणिका के रूप में बना हुआ है। इस मौसम प्रणाली के प्रभाव से राजस्थान पर एक प्रेरित चक्रवात बन गया है। प्रदेश में हवाओं का रुख दक्षिण पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी बना हुआ है। इसी वजह से तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। मैं प्रकाश ढवले, मौसम विज्ञानी, मौसम केंद्र भोपाल। देखिए, जैसे कि एक पश्चिमी विक्षोभ जो पंजाब के ऊपर 3.1 किलोमीटर पे एजिसाइसर है, और उसके साथ ही एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश तक है, उसकी वजह से जो है आने वाले मीन्स 16, 17, 18 तारीख को जो है पूरे मीन्स पूर्वी मध्य प्रदेश में अच्छी मीन्स कहीं कहीं जो है आइसोलेटेड प्लेसेस पे बारिश हो सकती है, और कहीं कहीं जो है गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है, और कहीं कहीं ओले भी गिरने की संभावना है 17 और 18 तारीख को। मैं प्रकाश ढवले, मौसम विज्ञानी, मौसम केंद्र भोपाल। देखिए, आने वाले दो दिनों में जो पूरे प्रदेश में जैसे जो वेदर रहेगा वो थोड़ा शुष्क रहेगा, और कहीं कहीं बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। तीसरे दिन से जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में, खासकर पूर्वी मध्य प्रदेश में आइसोलेटेड प्लेसेस में कहीं कहीं जो है वर्षा होने की संभावना है, और तीसरे दिन, चौथे दिन और पांचवे दिन जो है वहाँ पे भी पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है, और कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। पर इसके साथ ही जो आने वाली अभी दो दिन है, 24 और 48 घंटे में जो तापमानों में जो है अधिकतम तापमान जो है हल्का 1 से 2 डिग्री या 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखी जा सकती है, और न्यूनतम तापमान भी जो है सामान्य से ऊपर ही रहेंगे। और जैसे ही बादल आ जाएंगे तीसरे दिन से, तीसरे चौथे पांचवें दिन, तो अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट देखी जा सकती है, पर न्यूनतम तापमान बढ़े रहेंगे। धन्यवाद।